जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये बोर्ड एग्जाम का बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। इसमें हमेशा बिहार बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव फिक्स रहता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला किस तरह से आता है, उसका ग्राफ किस तरह से होता है, ये हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिएक्शन ए कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में एंड इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन इज ए नॉट एंड आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, इट्स कंसंट्रेशन रिड्यूस रिड्यूस ए नॉट माइनस एस एंड प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म एक्स। राइट एज ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बोल रहा है इनिशियल टाइम पर इसका कंसंट्रेशन ए नॉट है, उस समय प्रोडक्ट जीरो है, कुछ समय बाद इसका कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा ए नॉट माइनस एक्स, इसका उस समय प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ एक्स। इसी को हम कभी कभी एटी लिखेंगे, एटी लिखेंगे। फ्रॉम रेड लाइफ क्रोनेशन, फ्रॉम रेड ला एक्सपेरिमिनेशन एक्सपेरिमिनेशन क्या होता है, रेट बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू पावर जीरो, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर जीरो किस लिए आया, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए उसका ऑर्डर जीरो। रेट इक्वल टू के इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और रेट इक्वल टू क्या डिफरेंशिएट विधि से डिफरेंशिएट मेथड से देखते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डीटी डीटी आर इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या फाइनल माइनस इनिशियल चेंज, फाइनल कितना है फाइनल एटी, एटी माइनस इनिशियल कितना ए नॉट अपॉन डीटी आर इक्वल टू माइनस डी एटी को क्या ले सकते ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन डीटी आर इक्वल टू माइनस डी अपॉन एक्स अपॉन डीटी माइनस माइनस ए माइनस है माइनस माइनस प्लस हो गया आर इक्वल टू डी एक्स अपॉन डीटी इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को दोनों आरएचएस जब सेम है तो एलएचएस भी सेम हो जाएगा, तो एलएचएस क्या हो जाएगा के अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो के डी टी इक्वल टू के डी टी इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर हो जाएगा के टी के डी टी इक्वल टू डी एक्स के कॉन्स्टेंट है के बाहर इंटीग्रेट ऑफ डी टी इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ डी एक्स। के डी टी का टी इक्वल टू डी एक्स का एक्स, ये जीरो ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन आ गया, एक्स इक्वल टू के टी। अब ए टी बराबर क्या बोल सकते, ए टी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए टी इक्वल टू ए नोट माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू यहां पर डाल देते हैं तो ए टी बराबर ए नोट माइनस के टी। बोलेगा आफ्टर टाइम टी
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचेगा, तो ए टी आफ्टर टाइम टी ए नोट माइनस के टी बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करो, किसी गैस फेज में होगा तब देखते क्या उसका एक्सप्लेनेशन आता है। फोर गैस, गैस के लिए बी नो डाइट, बी नो डाइट, बी नो डाइट गैस ला इक्वेशन, गैस ला इक्वेशन पीवी, पीवी इक्वल टू एन आर टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है, पी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है गैस के, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, सी आर टी, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी कंसंट्रेशन, सी जहां पर कंसंट्रेशन यूज हुआ वहां पर पार्शियल प्रेशर यूज कर सकते हैं। तो पी टी इक्वल टू पी नोट माइनस के टी, यहाँ पी नोट क्या टोटल प्रेशर, पी टी क्या पार्शियल प्रेशर आपका टाइम टी। कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर, ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर, ग्राफ ऑफ ये ए कोई जीरो ऑर्डर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ए टू पावर जीरो, आर इक्वल टू के। आप देखते हैं इसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इधर रेट ले लेते हैं वाई एक्सिस पर, रेट इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो कांस्टेंट है तो रेट उसका हमेशा कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा। देखते हैं इधर टाइम ले लेते हैं, और इधर रेट ले लेते हैं, टाइम के अनुसार तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट हो गया। कोई दिक्कत, इसको नोट करो, ए टी इक्वल टू क्या ए नोट माइनस के टी होता है, रेट इधर ले लेते हैं, इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इधर टाइम ले लेते हैं, टाइम इसको क्या बाई इक्वल टू एम एक्स है, कंपेयर कर दो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बाई के बाई ए टी को इधर कर देते हैं, सलूप क्या माइनस किया हो गया और सी कॉन्स्टेंट हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के टाइम कितना बराबर माइनस के। कोई दिक्कत, उसका यानी कि जिस जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका कंसंट्रेशन ये हो जाएगा ए नोट हो जाएगा, ए ए नोट हो गया, उसका कंसंट्रेशन घटते जाएगा, उसका कंसंट्रेशन घटते जाएगा। कोई दिक्कत, बस अब जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ देखते हैं क्या होता है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर
रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होता है वो तो आगे के लेक्चर में हम बताए हैं। हाफ लाइफ टाइम इन विच, टाइम इन विच 50% ऑफ रिएक्टेंट, 50% कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ए कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है और उस समय बाद ठीक। अब क्या बोल टाइम इन विच तो टी इक्वल टू हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा हाफ लाइफ के लिए, और ए टी क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा ए नोट अपॉन टू फोर हाफ लाइफ के लिए। तो हाफ लाइफ का डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाता है, जीरो ऑर्डर का डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ए टी इक्वल टू ए नोट माइनस ए टी। ए टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए नोट बाई टू इक्वल टू ए नोट माइनस केटी, केटी को इधर ले चलाओ, केटी इक्वल टू के टी के जगह पर क्या लेते हैं, टी के इक्वल टू हाफ लाइफ लिखेंगे तो टी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नोट माइनस ए नोट अपॉन टू, के टी हाफ इक्वल टू ए नोट अपॉन टू। हाफ इक्वल टू ए नोट अपॉन टू के, ए नोट अपॉन टू के। यहां से क्या पता चल रहा है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम पीरियड ऑफ सक्सेसिव हाफ लाइफ, टाइम पीरियड ऑफ सक्सेसिव हाफ लाइफ इज डिक्रीज।
हाफ लाइफ डिक्रीज करेगा, ऐसे करेगा ए नोट से, अगर ए नोट अपॉन टू गया तो टी हाफ लाइफ, ए से मिल गया ए नोट अपॉन फोर में तो हो गया सेकेंड टी हाफ लाइफ, इससे गया ए नोट अपॉन एट में तो थर्ड हाफ लाइफ। जैसे जैसे हाफ लाइफ ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये सबसे ज्यादा ये यहाँ पर हाफ लाइफ होगा, उसके बाद यहाँ पर कम होगा, उसके बाद यहाँ पर कम होगा, ये बोल रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हाफ लाइफ ए नोट से ए नोट बाई टू में जाने में लगेगा, उसके बाद उससे कम ए नोट बाई टू से ए नोट बाई फोर में जाने में कम लगेगा, उसके बाद ए नोट बाई फोर से ए नोट बाई एट में जाने में कम लगेगा, ये बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ गैस एट सॉलिड सरफेस इन हाई प्रेशर, एंजाइम कैटेलाइज, फोटोकेमिकल रिएक्शन एक में हो गया, एक में हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन, एच टू प्लस आई टू कन्वर्ट टू टू एच आई, कोई दिक्कत। नंबर दो में एंजाइम कैटेलाइज, एंजाइम कैटेलाइज, कैटेलाइज कैट एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन, एंजाइम कैटेलाइज एंजाइम कैटेलाइज एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन और एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बस आज के लिए इतना ही।